हरि ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। जब भी हम किसी विषय को बहुत श्रद्धापूर्वक एकाग्रता से पूरे भाव से किसी समर्थ व्यक्ति से सुनते हैं, जो व्यक्ति उस विषय को अच्छे से जानता है और उसने उस विषय को आत्मसात किया हुआ है, ऐसा जो समर्थ व्यक्ति है, अधिकारी पुरुष है, वह जब उस विषय को बताता है तो हमको उस विषय का ज्ञान हो जाता है और उस विषय के बारे में जो भ्रम था या संशय था या अज्ञान था वो समाप्त हो जाता है। वेदांत के क्षेत्र में इसको कहते हैं श्रवण। श्रवण का मतलब सुनना, किसी संत के मुख से, आचार्य के मुख से, सद्गुरु के मुख से जो इस आत्मज्ञान को जी रहा है, आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित है, उसकी वाणी को जब हम सुनते हैं तो हमारा अज्ञान आत्मतत्व के प्रति जो पहले था वह नष्ट हो जाता है। इसलिए वेदांत शास्त्रों में कहा गया आत्मा वारे श्रोतव्यः। आत्मा को जानना है, आत्मा में स्थिर होना है, आत्म साक्षात्कार करना है तो इसका उपाय है श्रवण। अब साधक का अज्ञान तो समाप्त हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ बल्कि चैतन्य हूँ जो कि निर्विकार निराकार है, जो कि जन्म मरण से परे है। तो स्व के बारे में उसका जो पहले ज्ञान था वह गलत था, यह उसको समझ में आ जाता है और अपनी ओर देखने की उसकी दृष्टि बदल जाती है। इसी को कहते हैं श्रवण से अज्ञान की निवृत्ति होती है। लेकिन उसके बाद एक बाधा ये आती है कि श्रवण के पश्चात संशय फिर उठने लगते हैं, फिर से भ्रम होने लगता है, शंका आने लगती है कि क्या वास्तव में मैं आत्मतत्व हूँ, वास्तव में शरीर मिथ्या है। तो जब इस तरह की शंकाएं आती है तो फिर वो मनन करता है और मनन से उन शंकाओं को दूर कर देता है। अब श्रवण और मनन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ही सत्य है और वही मेरा स्वरूप है। लेकिन अब एक बात फिर आती है, चूंकि जन्म जन्मांतर से उसको आदत लगी है अपने आप को शरीर मानने की, शरीर में उसकी आत्मबुद्धि इतनी दृढ़ है कि वो श्रवण मनन करने के पश्चात भी पुनः पुनः जागृत होती रहती है और उसको जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान की विरोधी वृत्ति, देहोहम, मैं शरीर हूँ, मैं एक देश काल वस्तु परिच्छिन्न जीव हूँ, यह वृत्ति बार बार आती रहती है। इसको शास्त्र में कहते हैं विपर्यय या विपरीत भावना। सत्य के विपरीत जो भावना है, जो विचार है,
उसको कहते हैं विपर्य या विपरीत भावना, एरोनियस नोशन। तो कहते हैं अब इसकी निवृत्ति कैसे करें, तब ग्रंथों ने कहा कि अब ध्यान कीजिए आप, ध्यान से यह जो विपर्य है कम होगा। इसी को कहते हैं ध्यानाभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, इसी को निधिध्यासन कहते हैं, और कदाचित इसी को बोल देते हैं समाधि का अभ्यास। तो समाधि या ध्यानाभ्यास से ज्ञान नहीं होता, ये पहले हमको समझ लेना चाहिए। ज्ञान तो होता है श्रवण से ही, और यदि कोई उच्च अधिकारी है तो उसको ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान इतना पक्का हो गया है, स्थिर हो गया है, कि अब उसको आंख बंद करके, पद्मासन लगा के, सीधे बैठ के, इंद्रियों को सब ओर से परावृत्त करके अंतर्मुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुले आंख से देख रहा है कि मैं कौन हूं। लेकिन हाँ, जो मंद अधिकारी हैं, जिनकी निष्ठा दृढ़ नहीं हुई है ज्ञान होने पर भी, तब फिर उनके लिए कहा गया कि उनको ध्यान करके पुनः अपने आप को देखना चाहिए, शांत बैठ के अपने मन को अंतर्मुखी करके अपने स्वरूप की ओर उसको ले जाना चाहिए। तो देखिए, इससे स्पष्ट यह है, लोगों का भ्रम यह होता है कि ध्यान करने से ज्ञान होगा, आंख बंद करने से ज्ञान होगा, ज्ञान नहीं होगा। जो ज्ञान उसको हुआ है उसमें और दृढ़ता, स्थिरता, अंग्रेजी में उसको कहते हैं अबाइडेंस, उसकी प्राप्ति इस समाधि से होती है। जो हमने सुना है उसको हम ध्यान में कन्फर्म करते हैं, परिपुष्ट करते हैं, हाँ बराबर है, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि ये दृश्य है, मैं देख रहा हूँ कि मैं तो इसका साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। तो इस तरह ये समाधि की भूमिका क्या है, जरा इसको समझ लेनी चाहिए। अब देखिए, जब वो ध्यान करने बैठता है तो प्रयत्न ये होता है कि मन जो है ध्येय की ओर चले, ध्येयाकार वृत्ति बने, और ध्येय क्या है, सच्चिदानंद आत्मा। जब उसके भीतर ये सजातीय वृत्ति प्रवाह होता है, अर्थात आत्मा को छोड़कर अन्य किसी विषय की वृत्ति का प्रवाह नहीं होता, तो उसको कहते थे निधिध्यासन। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ऐसा कहा, प्रत्ययों की एकतानता, प्रत्यय मीन्स थॉट्स, एकतानता मतलब अनब्रोकन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सेम थॉट और थॉट ऑफ सेम सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि कभी कोई दूसरी वृत्ति आ रही है, जगत की वृत्ति आ रही है, फिर आत्मा की वृत्ति आ रही है, ऐसा नहीं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो इसको कहते हैं कि निधिध्यासन वो कर रहा है। वृत्तियों का प्रवाह है लेकिन उन सारे वृत्तियों का विषय मैं ही हूं। और जब थोड़ा ये प्रयत्न पूर्वक होता है तो इसको निधिध्यासन कहते हैं। लेकिन यही जब सहज होने लगता है, एफर्टलेस, तो उसी को बोल देते हैं फिर समाधि। समाधि में उसको बार बार प्रयत्न नहीं करना है, बार बार मन को याद नहीं कराना है, सहज ही वह अद्वितीय वस्तु को स्मरण करता है, और अन्य विषयों में न उसकी सत्य बुद्धि है न उसकी स्मृति है।
तो एक सहज प्रवाह जो चल पड़ा है इसको कहते हैं समाधि। अब इस समाधि में भी दो प्रकार की है, एक को कहते हैं सविकल्प समाधि और एक है निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि मतलब जहां विकल्प तो है, वृत्तियां तो है, लेकिन सतत उसको ये भान है कि यह वृत्तियां अहम में से स्फुरित हो रही है और ये वृत्तियां वास्तविक नहीं है। आत्मतत्व पर ये जैसे समुद्र पे तरंगे हैं उस तरह से हैं। वृत्तियां होते हुए भी उसका ध्यान आत्मा की ओर है। इसका एक अच्छा उदाहरण दिया, जैसे जो सोनार होता है गोल्डस्मिथ, वो सोने के इतने आभूषणों को देखता है, अलग अलग है, कहीं चूड़ी है, कहीं अंगूठी है, नेकलेस है, लेकिन उसका ध्यान किस ओर होता है? सोने की ओर। अद्वितीय वस्तु को ही वो देखता है, दूसरी वस्तु नहीं देखता वो, चाहे चेन हो या अंगूठी हो। विकल्प तो अलग अलग है, आकार अलग अलग है, वस्तुएं अलग अलग दिख रही है, लेकिन उसको कभी ये भ्रम नहीं होता कि सोने का तत्व, चेन का तत्व अलग है और अंगूठी का तत्व अलग है। ऐसे ही सविकल्प समाधि में भी भले ही उसको ये भान है कि मैं ध्याता हूँ, ध्येय आत्मा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन उसका पूरी तरह ध्यान ध्येय पर ही रहता है और धीरे धीरे ध्येय में इतनी तन्मयता आ जाती है कि फिर सारी वृत्तियां वहां दिखनी बंद हो जाती है, उठनी बंद हो जाती है। उसको कहते हैं निर्विकल्प, जहां विकल्प का अभाव है। भले ही वहां वृत्तियां हैं लेकिन उसका भान उसको बिल्कुल नहीं है। इसे उदाहरण हम दें, पानी में यदि नमक डाल दिया जाए, पानी में यदि नमक को घोल दिया जाए तो वहां पे नमक का अस्तित्व दिखता है क्या? दूसरा नहीं दिखता। वह नमक पानी से ऐसा एक रूप हो गया कि वहां होते हुए भी उसका भान नहीं होता, दिखता नहीं, लगता है केवल एक पानी है। ऐसे ही जब ध्याता, ध्येय, ध्यान ये त्रिपुटी भंग होके केवल ध्येय ही रह जाता है, उसको ये भान नहीं होता कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्याता हूं, तब यह जो स्थिति है इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि परिणाम है सविकल्प समाधि का। जैसे हम सुषुप्ति में जाते हैं, नींद में, तो नींद में जाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और जब हम प्रयत्न करते हैं तो फिर नींद लग जाती है, नींद में हम चले जाते हैं। इसी तरह निर्विकल्प में वह जो साधक है वह प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह यह समाधि है। और अब जब आंख खोलता है, वेदांत की समाधि केवल यही नहीं है कि आंख बंद करके हम आत्मा में स्थिर हो जाए, इतना ही नहीं है। अब आंख खोल के उसको वही तत्व सद्दूर नजर आता है और जगत का मिथ्यात्व एकदम स्पष्ट भासित होता है। तो जगत को देखते हुए भी वो जगत में नहीं रहता, वो समाधि में ही रहता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदो कान न रूंदो। बोले मैं सहज समाधि में हूं, वहां पे आंख बंद करने की जरूरत नहीं, एक आसन में बैठने की आवश्यकता नहीं,
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। दृग दृश्य विवेक में ऐसा एक ग्रंथ है, जहाँ उसका मन जाता है उसको तत्व ही दिखता है तो वो समाधि ही है। क्योंकि समाधि मतलब क्या, ध्येय जो तत्व है उसका ही दर्शन करना। तो अंदर भी वही तत्व, बाहर भी वही तत्व, जब इस तरह उसका सर्वत्र तत्व दर्शन होता है तो फिर वह 24 घंटे समाधि में है। इसलिए पूज्य गुरुदेव से जब पूछा गया कि कितनी देर हम ध्यान करें तो गुरुदेव ने कहा 24 घंटे। अर्थ क्या है, सतत अपने स्वरूप का भान बना रहे, तो वह है समाधि। तो इससे स्पष्ट यह है, कई लोगों का भ्रम यह होता है कि आत्मज्ञान तभी होगा जब हम ध्यान करेंगे या आंख बंद करके अंतर्मुखी होंगे। याद रखना, बिना ज्ञान के जो ध्यान होता है वह ध्यान आत्मज्ञान नहीं करा सकता। बिना ज्ञान के मतलब बिना सुने, जिसने आत्मा के बारे में श्रवण किया ही नहीं और वो यदि आंख बंद करके बैठ रहा है और सोच रहा है कि उससे ही हमको आत्म साक्षात्कार होगा, तो नहीं होगा। इसलिए गीता में लिखा, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। बोले ध्यानाभ्यास से बेहतर है पहले आप जानो किसका ध्यान कर रहे हो। ज्ञानपूर्वक जो ध्यान होता है फिर वही हमको समाधि में ले जाता है। इसलिए पूरा हमको ध्यान देना है श्रवण पर, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट उसी से होता है। और फिर जो सुना है उसके बारे उसमें और अधिक हमको दृढ़ अपने आप को रहना है, उसके लिए फिर समाधि की साधना की जाती है। लेकिन यदि किसको श्रवण काल में ही उसकी निष्ठा हो गई तो फिर ध्यान धारणा समाधि की कोई जरूरत है नहीं। इस तरह यहाँ पर वेदांतों में समाधि के बारे में ये निर्णय दिया है। इसलिए भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं, न प्राणायामेन, न स्नानेन, न दानेन, इन सारी क्रियाओं से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो होता है श्रवण से। हाँ, समाधि करने से, ध्यान करने से हमारे में जो मलिनता है वो धीरे धीरे और कम हो जाती है। इसलिए गीता में लिखा है, उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्ध है। आत्मशुद्धि के लिए आप जरूर बैठिए, ध्यान कीजिए, उससे सत्वगुण बढ़ता है, उससे जो चांचल्य है मन का वो शांत होता है, बहिर्मुखता कम होती है, ये सब लाभ होते हैं। व्यक्ति निवृत्त होता है, उसके व्यक्तित्व में गहराई आती है, जो बहुत ध्यान करने वाला होता है उसके जीवन में ये सब गुण जरूर दिखाई देते हैं। तो इस तरह ध्यान की क्या भूमिका है, श्रवण की क्या भूमिका है, मनन की क्या भूमिका है, ये हमको जानना चाहिए। हरिओम।